हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द फेवरेट स्टॉक में। जय हिंद। और आज हम बात करने वाले हैं 3i इन्फोटेक के बारे में। दोस्तों यहां पर अभी एक बहुत ही अच्छी दोस्तों एक खबर आई है साथ ही में। दोस्तों क्या ये करेक्ट टाइम होगा यहां पर बाइंग करने का? बहुत सारे सिनेरियोज बनते हैं दोस्तों नजर आ रहे हैं। मैं आपको बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर दोस्तों अपडेट देने वाला हूँ। अभी के टाइम पर दोस्तों यहाँ पर बाइंग करना आपके लिए क्यों फायदेमंद है दोस्तों, ये आपको जानना बहुत ही जरूरी है और इस वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं। अभी तक दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही चीजें वीडियोस लाता रहता हूँ। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको लिए चलता हूँ इसके प्राइस एक्शन की ओर। देखें 94.45 पे दोस्तों ये स्टॉक जो हमें ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। और दोस्तों अगर हम बात करें इसके 52 वीक हाई और लो की, तो देखें यहाँ पर लो जो है दोस्तों वो 6 रुपए का है, जबकि हाई जो है दोस्तों वो तकरीबन 119 रुपए का है। कितना बड़ा डिफरेंस है। हालांकि ये स्टॉक जो है दोस्तों स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के तहत दोस्तों इसमें चेंजेस किए गए, मतलब 10 स्टॉक का दोस्तों एक स्टॉक में एक कन्वर्ट हुआ, जिसकी वजह से दोस्तों इसके प्राइस में इतना बड़ा डिफरेंस आपको दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। अभी के टाइम पर दोस्तों यहाँ पर बाइंग करना क्यों एक सही डिसीजन होगा, इसकी बातें हम करेंगे। फिलहाल दोस्तों मैं आपको ले चलता हूँ मनी कंट्रोल की ऊपर। और यहाँ पर देखें अगर आप तो थोड़ा सा नीचे आ जाए और इसके वॉल्यूम पर दोस्तों नजर डालें। देखें लास्ट वीक में दोस्तों यहाँ पर थोड़ा कम वॉल्यूम जनरेट होता हुआ हमें नजर आ रहा था, तकरीबन 27 लाख का दोस्तों वॉल्यूम जनरेट हो रहा था। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें थर्सडे की, वो तकरीबन 13 लाख का दोस्तों वॉल्यूम यहाँ पर जनरेट होता, लेकिन फ्राइडे वाले दिन दोस्तों यहाँ पर जो है 43 लाख का वॉल्यूम जनरेट हुआ और काफी अच्छा दोस्तों यहाँ पर कारोबार होता हुआ हमें नजर आया। इसके फंडामेंटल से अगर हम बात करें तो मैं आपको लिए चलता हूँ उसकी साइड के ऊपर। देखें तकरीबन 1566 करोड़ का दोस्तों इसका मार्केट कैप है, कि स्मॉल कैप दोस्तों कंपनी है ये, लेकिन विजन दोस्तों काफी बड़े हैं इस कंपनी के। डेफिनेटली आपको बुक वैल्यू जो है दोस्तों यहाँ पर 43 की दिखाई दे रही है, लेकिन दोस्तों इसकी एक्चुअल वैल्यू की अगर हम बात करें तो अराउंड 85 to 95 के बीच में दोस्तों इसकी एग्जैक्ट वैल्यू, जो एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए दोस्तों वो है। और जिस प्राइस पर दोस्तों ये स्टॉक अभी अवेलेबल है, आप कह सकते हैं काइंड ऑफ ये एकदम सही प्राइस है। ऑलरेडी दोस्तों इस कंपनी ने अपने डेब्ट को कम कर दिया है। एंड अगर दोस्तों इसके हम प्रॉफिट एंड लॉस को देखने की कोशिश करें तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ इसके ईयरली प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट के ऊपर। और देखें दोस्तों पिछले कई सालों से अगर हम बात करें 2017, तो यहाँ पर तकरीबन 95 करोड़ का दोस्तों प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप कह सकते हैं कि काइंड ऑफ फ्लैट ही कारोबार होता हुआ नजर आया, 70 करोड़। 2020 में दोस्तों 68 करोड़। लेकिन दोस्तों 2021 की अगर हम बात करें तो देखिए आप तकरीबन 391 करोड़ का दोस्तों यहाँ पर कारोबार होता हुआ नजर आया। और इस साल के दोस्तों खत्म होते होते यहाँ पर ऐसी उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि दोस्तों ये जो है बहुत ही अच्छा एक रिटर्न दे सकते हैं। और दोस्तों जो इनका 1 बिलियन रेवेन्यू का एक इन्होंने टारगेट दिया है 2030 तक, उसके आप ये कह सकते हैं कि दोस्तों उसको अचीव करने के लिए पहला जो स्टेप होता है कंपनी ने वो ले लिया है। अब वहां तक कैसे पहुंचती है ये दोस्तों एक अलग बातें हैं, वो हर क्वार्टर टू क्वार्टर हमें पता चलता जाएगा। लेकिन कंपनी प्रोग्रेसिव काम कर रही है, प्लस आईटी सेक्टर की दोस्तों कंपनी है, तो डेफिनेटली यहाँ पर हमें उम्मीदें थोड़ी सी ज्यादा ही होनी चाहिए। क्या दोस्तों यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट आई है, चलिए वो भी देख लेते हैं। देखिए बेसिक साइट के ऊपर आप जाएंगे तो आपको नजर आएगा कि दोस्तों अभी जो है क्लोज ट्रेडिंग विंडो जो है इसे क्लोज कर दिया गया, जो उनके एम्प्लॉइज वगैरह है उनके लिए, क्योंकि थर्ड क्वार्टर जो है दोस्तों उसका रिजल्ट अब आना है। और 1 जनवरी से दोस्तों इसे बंद कर दिया गया है, टिल कब तक, जब तक इसका रिजल्ट ना आ जाए तब तक। और इनकी जो बोर्ड ऑफ मीटिंग है दोस्तों वो कब शेड्यूल्ड होगी, उसका डिक्लेरेशन जो है दोस्तों अभी तक नहीं आया है, वो बहुत जल्दी दोस्तों आ सकता है, ऐसा दोस्तों यहाँ पर कहा गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो बहुत जल्द दोस्तों अभी इनकी क्वार्टर 3 के रिजल्ट हमें दिखाई देंगे और वहां से एक नई जंप भी हमें डेफिनेटली दिखाई पड़ सकती है। लेकिन उसके पहले अगर मैं इसके चार्ट के ऊपर आपको लिए चलूं तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जब इस स्टॉक को दोस्तों स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के तहत वापस से एक करेक्शन किया जा रहा था, मतलब 10 स्टॉक के एक स्टॉक में कन्वर्ट किया जा रहा था, इसका जो प्राइस था तकरीबन 8.56 था, तो अंदाजा दोस्तों ये लगाया जा रहा था कि तकरीबन 85 से 90 के करीब दोस्तों ये स्टॉक जो है ओपन हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तकरीबन 30 के करीब दोस्तों ये स्टॉक ओपन हुआ। उसके बाद जो अपर सर्किट दोस्तों इस पे लगना चालू हुआ वो सीधा आप कह सकते हैं कि ये स्टॉक दोस्तों 100 के ऊपर चला गया था। वापस से दोस्तों अभी जो ये स्टॉक है एग्जैक्ट उसी प्राइस पर आप कह सकते हैं, 94 का भी दोस्तों प्राइस चल रहा है यहाँ पर देखें आप, तो करीब करीब दोस्तों 85 से 90 के करीब ही दोस्तों ये स्टॉक का प्राइस अभी आपको दिखाई दे रहा होगा, मतलब एकदम फेयर वैल्यूएशन पर ये स्टॉक अभी अवेलेबल है, बिल्कुल भी आप इसे महंगा नहीं बोल सकते। और उम्मीद है दोस्तों यहाँ पर डेफिनेटली अगर आप एक शॉर्ट टर्म की बात करूं अगले
एक दो महीने की दोस्तों अगर हम बात करें तो ये स्टॉक इजीली दोस्तों आपको 120 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। सो डेफिनेटली जो शॉर्ट टर्म में दोस्तों एक अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं वो भी यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। प्लस अगर आप में से कोई ऐसा है जो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म होल्डिंग कर सकता है देन डेफिनेटली दोस्तों ये एकदम एग्जैक्ट ये एकदम सही एक्यूरेट प्राइस होगा दोस्तों स्टॉक को बाय करने का, क्योंकि यहां से जो दोस्तों आने वाले टाइम पर जैसे कंपनी दावा करते हुए आ रही है उसका आधा भी अचीव करती है तो ये स्टॉक इजीली दोस्तों आने वाले टाइम पर हमें 500 के ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। सो डेफिनेटली दोस्तों अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो भी दोस्तों यहाँ पर एक छोटी क्वांटिटी लेकर रख सकते हैं। डेफिनेटली दोस्तों ये एक स्मॉल कैप कंपनी है तो उसके हिसाब से ही आपको काम करना होगा। कंप्लीट वीडियो दोस्तों एक एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूं मैं, प्लीज इसे बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन ना समझें, खुद एनालिसिस करें, लगता है तभी दोस्तों बाइंग करें, लेकिन डेफिनेटली ये बहुत अच्छा एक लेवल है बाइंग करने का, उसे जरूर आपको ध्यान में रखना है। आई होप दोस्तों ये कंप्लीट वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, पसंद ना डिसलाइक भी कर सकते हैं। यहां तक वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। जय हिंद।